हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, हम बहुत सी बार ये बोलते हैं कि बॉलीवुड में कुछ डिफरेंशिएटेड मूवीज़ नहीं बन रही हैं। अब अगर हम देखें तो जॉन इब्राहिम की जो नेक्स्ट मूवी आ रही है अटैक, और उसका ट्रेलर आज रिलीज़ हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का डिफरेंशिएटेड कॉन्सेप्ट है, और जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, जो पीछे जिस तरीके से इसका ट्रेलर आया है, कुछ भी ओवर द टॉप नहीं है, येट बहुत ही इफेक्टिव है। जहाँ पर एक सोल्जर है जो कि देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है, और वो इसको अपना हैंडीकैप नहीं बनाता है, बल्कि उसके अंदर अपने अंदर एक चिप डलवा देता है, जिससे उसके अंदर सुपर सोल्जर कैपेबिलिटी आ जाती है, और इस कैपेबिलिटी से कैसे वो देश के लिए लड़ता है, यही सब दिखाया जाता है। ये देख के अच्छा लगा कि कुछ डिफरेंशिएटेड तरीके का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और जॉन इब्राहिम वैसे भी बहुत सारी पेट्रियोटिक फिल्म्स के अंदर काम करते हैं। मुझे बैकग्राउंड जो गाना चल रहा है वो बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से लेस डायलॉग्स और बहुत सारे सीन्स को स्टिच करके हमें जिस तरीके से ट्रेलर को दिखाया गया, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर खास बात ये है कि आपके लिए बहुत सारे डायलॉग रख के बोरिंग करने की कोशिश नहीं करी गई है, कोई डायलॉगबाजी ओवर द टॉप करने की कोशिश नहीं करी गई है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी गई है, और कुछ एक इंट्रीगनेस छोड़ दी गई है कि आप खुद सोचिए कि ये सुपर सोल्जर क्या क्या कर पाएगा। तो जो इसका नेक्स्ट ट्रेलर आएगा उसके अंदर हमें और ज़्यादा कैपेबिलिटी सुपर सोल्जर के बारे में पता चलेंगी। तो इस तरीके के जो ट्रेलर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो आपके दिमाग में कुछ और जानने की इच्छा छोड़ देते हैं। और जो जो ग्लिम्स मैंने जॉन इब्राहिम के देखे फ्रॉम एन एक्टिंग पर्सपेक्टिव, वो बहुत ही लीन बॉडी के साथ, मस्कुलर बॉडी भी है साथ साथ में, बहुत लीन लेकिन उन्होंने अपनी मसल्स कर ली हैं, वो बिल्कुल ह्यूज हल्क टाइप बॉडी नहीं है यहाँ पर, बहुत ही एथलेटिक टाइप लग रही है, वो अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर। और कुछ इमोशनल सीन्स हैं उनके जैकलिन फर्नांडिस के साथ, वो भी अच्छे लग रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी मूवी और प्रॉमिसिंग मूवी लग रही है, और ये हमें रिलीज़ हुए दिखेगी थिएटर्स के अंदर 28th of January को। तो ये एक हमारे लिए रिपब्लिक डे रिलीज़ होगा, और रिपब्लिक डे के अंदर देशभक्ति की जो भावना होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, और उस टाइम पे इसको कैपिटलाइज किया जा रहा है और रिलीज़ किया जा रहा है, जो कि आई थिंक एक अच्छी रिलीज़ स्ट्रैटेजी है। तो मेरी तरफ से जो भी मैंने अभी तक ये ट्रेलर देखा, टीज़र ट्रेलर देखा इनिशियली, उसने अच्छी खासी एक्साइटमेंट क्रिएट करी, और इस एक्साइटमेंट के लिए मैं इसको दूंगा ए स्कोर। कुछ डिफरेंट आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, और आई एम श्योर एक चीज़ जो मेकर्स हैं वो ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी कोई भी हीरो आता है उसके अंदर पावर्स और उसकी इनएबिलिटीज़ जो होती है, वल्नरेबिलिटी जो होती है, वो भी दिखाना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, वो ज़रूर दिखाएं। क्योंकि अगर वल्नरेबिलिटी सामने आती है तो जैसे स्टैनली बोलते हैं कि सुपर हीरो में जो लगाव आता है उनकी पावर्स की वजह से नहीं बल्कि उनकी इनएबिलिटीज़ और वल्नरेबिलिटी की वजह से आता है, अगर वो उस चीज़ का भी ध्यान रखा तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल गहराई से भरी हुई, मन को लगने वाली बन जाएगी, और इसकी फ्रेंचाइजी फिर कल को बन सकती है काफी इफेक्टिव तरीके से। तो मिलते हैं एक और रिव्यू एक और अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।